सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स के बारे में। ये दोस्तों वैसे नाम काफ़ी बड़ा है तो बोलने में दिक्कत होती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस रेडमी के 9 प्रो मैक्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसकी वैसे अनबॉक्सिंग दोस्तों मैंने पहले कर दी थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी है तो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इस रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स की पूरा डिटेल में रिव्यू दूंगा कि ये फ़ोन आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, और दोस्तों क्या इस फ़ोन में अच्छी बातें हैं और दोस्तों क्या इसमें कुछ बुरी बातें हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई फ़ोन नहीं है जिसके अंदर हमें कुछ कॉन्स देखने को ना मिलें। दोस्तों हर फोन में कॉन्स होती हैं, तो दोस्तों इस फ़ोन में भी दोस्तों दो चार कॉन्स हैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि ये फ़ोन आपको अभी खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए और इस फ़ोन में हमें क्या कुछ अच्छा देखने को मिलता है और दोस्तों ऐसे क्या क्या फीचर हैं जो हमें इस फ़ोन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इस फोन डिस्प्ले की। दोस्तों इस फोन में हमें 6.67 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले दी गई है जो कि दोस्तों एक आईपी डिस्प्ले है। दोस्तों इस डिस्प्ले में हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। लेकिन दोस्तों अगर आप धूप में निकलते हो तब आपको इसमें थोड़ा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि दोस्तों धूप में थोड़ा इसके कलर जो है काफ़ी डल हो जाते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर आप इसे इंडोर में यूज़ करते हो तो अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है इसकी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती है उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी दोस्तों काफ़ी अच्छी दी गई है। दोस्तों इसकी बैटरी है 5000 mAh की, आपका दो दिन का बैटरी वगैरह आसानी से दे देगी। अगर आप अपने फ़ोन को नॉर्मल यूज़ करते हो आपका जो डाटा होता है वो एवरी टाइम ऑन रहता है, फिर भी दोस्तों आपको इस फोन में दो दिन का बैटरी वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी बड़ी है। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि इस फोन के साथ आपको फास्ट चार्ज भी देखने को मिल जाएगा, साथ में इसके 33 वाट का पावर चार्जर इस फ़ोन का आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपको फास्ट चार्जर के साथ साथ एक बड़ी बैटरी मिलती है, दोस्तों काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों अगर इस फोन की कैमरे की बात करें तो अभी आप जो देख रहे हो ये फोटो सभी इसी फ़ोन से ली गई हैं। दोस्तों आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि इस फोन का कैमरा कैसा है। वैसे दोस्तों इसका कैमरा जो है काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इस फोन का जो फ्रंट कैमरा है 32 MP का वो काफ़ी अच्छा है, सेल्फी कैमरा इसका। और दोस्तों इसके रियर में हमें 4 कैमरा मिलते हैं जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके रियर में जो मेन कैमरा है दोस्तों हमारा वो 64 MP का है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे कैमरे दिए गए इस फोन में। और दोस्तों इस फोन का जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 720G वो दोस्तों काफ़ी अच्छा काम करता है। आप चाहे कितनी भी हैवी गेमिंग करो, चाहे कितनी हैवी भी मल्टीटास्किंग करो, आपको इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इस फोन का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी तगड़ा दिया गया है। आप चाहे गेमिंग करो चाहे कुछ भी करो दोस्तों, आपका फ़ोन बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा ना ही दोस्तों लैगिंग करेगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन का 720G आपका जो प्रोसेसर है दोस्तों एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कुछ भी कर सकते हो अपने फोन में, कितनी भी हैविंग गेमिंग कर लो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों इसके फ्रंट और बैक में हमें कॉर्निन गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन दी गई है जो दोस्तों एक अच्छी प्रोटेक्शन है, और उसका जो बैक पैनल दोस्तों वो ग्लास का है जिसके ऊपर आपको कॉर्निन गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। दोस्तों इस फोन में हमें ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है जिसमें आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। दोस्तों ये तो इस फोन की अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसकी कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। सबसे पहले बात करें दोस्तों इसकी पहली कौन सी, तो वो है दोस्तों इस फोन का कैमरा का सेटअप। दोस्तों इसका जो रियर कैमरा है बैग में वो थोड़ा बाहर निकला हुआ है। दोस्तों अगर आप इस फोन को बिना कवर के यूज करते हो तो आपके कैमरे के ऊपर स्क्रैच आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप इस फोन को इस तरीके से रखोगे तो आपका जो कैमरा है वो पूरा उसी पर पूरा फोन टिक जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो बाहर निकला हुआ है। तो अगर आप इस फोन को बिना कवर के यूज करते हो तो आपके कैमरे पर स्क्रैच आ सकते हैं। भले दोस्तों आपके कैमरे पर कॉर्निन गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, फिर भी दोस्तों आपको इसके कैमरे के ऊपर इसके देखने को मिल जाएंगे अगर आप इसे बिना कवर के यूज करते हो तो। दोस्तों दूसरे कौन सी बात करें तो वो दोस्तों रेडमी के फोन में आपने देखा होगा कि हमें भर भर के इसमें एड्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें भी हमें ऐड देखने को मिलते हैं अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो। दोस्तों एप्लीकेशन ओपन करने से पहले ही आपके फ़ोन में ऐड आना शुरू हो जाएंगे जो दोस्तों काफ़ी बुरे होते हैं। दोस्तों इन ऐड को आप डिसेबल तो कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इनमें हमें देखने को मिलते हैं, ये एक बुरी बात है जो दोस्तों सोमी को इन ऐड्स को बंद करना चाहिए अपने आने वाले फ़ोनों में। दोस्तों तीसरी कौन सी बात करें दोस्तों वो इसकी डिस्प्ले। अगर आप इस फोन को धूप में ले जाके यूज करते हो तो
तो आपको दोस्तों इसमें ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं आएगी, आपके जो दोस्तों इस फोन के जो कलर हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे नहीं दिखेंगे, आपको गौर से देखना पड़ेगा तब जाके दोस्तों आपको इसमें इसकी जो डिस्प्ले है क्लियरिटी नज़र आएगी। अगर आपको कोई कॉल आता है तो दोस्तों आपको इस तरीके से हाथ लगा के देखना पड़ेगा कि किसका कॉल है, तो दोस्तों धूप में जो डिस्प्ले है वो इतना अच्छा वर्क नहीं करती। वैसे दोस्तों इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, बट धूप में अगर आप इसे यूज़ करते हो तो दोस्तों आपके लिए ये फ़ोन बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी डिस्प्ले बड़ी हो, जिसमें दोस्तों आपको एक पंच होल कैमरा डिज़ाइन दिया गया हो, और दोस्तों जिसमें आपको ग्लास बोर्ड दी गई हो, बैटरी का भी बड़ी हो, और जो प्रोसेसर है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया हो, दोस्तों आप इस फ़ोन को बिना टेंशन ले सकते हो, बिना किसी टेंशन के आप इस फ़ोन को ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है, बैटरी है, और दोस्तों की डिज़ाइन है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी दी गई है। दोस्तों अभी आप इस फ़ोन को खरीदना चाहते हो तो ये आपको 16,000 रुपये देखने मिल जाएगा अमेजन के ऊपर। इसका 6GB और 64GB वाला वेरियंट आपको 16,000 रुपये देखने मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा फोन है रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। अगर आप फोन खरीदना चाहते हो तो आप बिना झिझक के ले सकते हो। अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जिसमें दोस्तों आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिले, बैटरी अच्छी मिले, डिस्प्ले दोस्तों अच्छी मिले, और दोस्तों प्रोसेसर और दोस्तों जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी अच्छा मिले, तो आप इस फोन को बिना टेंशन ले सकते हो। दोस्तों मैं करता हूँ आपको अच्छा आइडिया लग गया होगा कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस फोन में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो इसे वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बार बार लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।